हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आवर डिस्कशन इज कंसर्न टू नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट कंसर्न टू दी क्लेमाइडोमोनास ऑलरेडी हम आपको बता चुके क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर मोटाइल ग्रीन एल्गा होता है लाइक दैट आपको जैसा पिक्चर में दिख रहा है इससे पहले भी हम आपको लगभग फिफ्टी क्वेश्चन इसके ऊपर जो बेस्ट थे बता चुके हैं अब एक पिक्चर हम देखते हैं जिसमें फिर से एक बार हम इसके बारे में कुछ एम सी क्यू पर डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम आपसे इसका कुछ अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें कुछ नई स्ट्रक्चर आपको दिखाता होगा इस जिससे पहले शायद आपने नहीं देखी थी प्लास्टो ग्लोब्यूल्स दैट तो इस तरीके से बाकी सब पिक्चर वही है इस कोई न्यू नहीं है इसमें आई स्पॉट जैसा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकांड्रिया स्टार्च ग्रीन्यूल्स गार्जी बॉडीज न्यूक्लियस सेल वाल कंडक्टाइल वैक्यूल्स और इनके फंक्शन भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी थ्यूरी का लेक्चर करूँगा तो उसमें सब कुछ एक चीज़ बताऊँगा कौन सा क्या फंक्शन है एंड दैट लाइक ए यू कोरेटिक है तो यूकोराटिक का आर्गन सब कुछ प्रेजेंट हैं क्लोरोप्लास्ट माइटोकांड्रिया वैक्यूल्स राइबोसोम्स स्टार्च ग्रेन्यूल्स माइटो इसके अलावा ये जो नी बॉडी आई है प्लास्टो ग्लूगुल जिससे पहले जो पिक्चर दिखाए थे उसमें ये बॉडी नहीं थी तो इसे भी ध्यान में रखें कि प्लास्टो ग्लूगुल नाम की भी एक स्ट्रक्चर होती है क्लेमाइडोमोनास में ना जो गाइज <laughs> हम आज डिस्कस करेंगे 25 फाइव क्वेश्चन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इससे पहले जो मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताएं वो एक जनरल क्वेश्चन से एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपने सुने होंगे बहुत सारी जगहों पे बट ये जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट गाइज बिकॉज क्योंकि दिस इज कंसर्न फ्रॉम द रिसेंट एडवांसमेंट जिसमें क्लेमाइडोमोनास है उसकी बहुत सारी स्पीसीज़ इस का इस्तेमाल किया जाता है यूज़ किया जाता है और उसके बारे में जो रिसेंट अपडेट है उन पे बेस्ट क्वेश्चन है तो क्या पहला क्वेश्चन हम देखते हैं विच स्पीसीज ऑफ़ द क्लेमाइडोमोनास रिप्रोड्यूस बाई आइसोगेमस गैमेटिक फ्यूजन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि तीन तरीके का फ्यूजन होता है आइसोगेमस एन आइसो गैमस एंड ओ गैमस जिसके बारे में मैंने एक एक, एक स्पीसीज का एग्जाम्पल दिया था आपको तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कौन सी स्पीसीज आइसोग गैमेटिक फ्यूजन करती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो इसमें करेक्ट आंसर है डी जो स्पीसीज हैं लॉन्गिस्टिकमा डी वरैना और मीडिया ये तीनों स्पीसीज आइसोग गैमेटिक फ्यूजन करती हैं वजह क्या गई ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का गैमेटिक फ्यूजन है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडमोनास क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम बात करेंगे द जिम्नोगीट्स एंड कैलिप्टैमीट्स फार्म ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखिए अब ये तीन टाइप के मतलब गैमेटिक फ्यूजन या गैमेटिक यूनियन में कुछ गैमीट बनते हैं जिन्हें हम जिमनोगीट्स बोलते हैं और कैलेप्टो गैमिट बोलते तो ये तीन टाइप के जो हमारे पास फ्यूजन है आइसो एन आइसो और ओ तो उसमें ये वाली जो कंडीशंस होती है जिम्नोगैमिट्स और कैलेप्टो गैमिट आपको पहले भी मैंने इससे पहले बताया कि वो गैमिट जो अपने फ्यूजन से पहले अपने ऊपर जो बाल होती है उसे लूज़ नहीं करते कहने का मतलब है वो बाल इंटैक्ट रहती और कैलेप्टो वो गैमिट होते हैं जिनकी बाल जो है वो लूज हो जाती है तो इस तरीके की जो कंडीशन थी कि गैमिट अपनी बाल को अपने फ्यूजन से पहले उतार देते हैं कहने का मतलब है सेट आउट कर देते हैं या बनाए रखते हैं उसके भी यहाँ पे ये दो टाइप के गैमिट का फॉर्मेशन होता है अब ये किस तरीके के फ्यूजन के दौरान होता है आइसोग एंड एन आइसोगेमेस ये हमें क्लियर करना है सिंपल था तीन कैटेगरी से तो ये जो होता है आइसोगटिक जो स्पीसीज होती हैं उनमें इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती है मतलब गैमिट बिफोर फ्यूजन और कुछ में बिफोर फ्यूजन से पहले वो अपनी बॉडी से अपना जो बाहरी आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ एम्बरेंस होते हैं जिससे हम सेल बार बोल सकते हैं कि उसका सेड आउट कर देते हैं कुछ में सेड आउट नहीं करते हैं। तो ये दो टाइप की कंडीशन बनती हैं जिम्नोगेमिट्स एंड कलेक्टोगैमिक तो आपको ध्यान रखना है कि आइसोगेमेटिक स्पीसीज में ऐसा होता है कल को क्वेश्चन आता है कि जिम्नोगेमिट कहाँ पर पाए जाते हैं तो आपको केवल सिंपल से ये डिसाइड करना है कि कौन सी स्पीसीज जिसमें से आइसोगेटिक है उसमें ये गैमिट पाए जाएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में बात करते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन गाइज आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम्स में कि आपको केवल स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में डिटेंट करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है तो पहला पॉइंट है कि मोस्ट आइसोगेटिक स्पीसीज देखिए जो भी हमने ऊपर पहला क्वेश्चन बताया था वही तीन स्पीसीज हो गई इन मोस्ट आइसोगेटिक स्पीसीज द गैमिट बाल सेट अब ए प्रेयर टू द गैमेटिक यूनियन देखिए क्लियर हो गया तो इसमें कौन से वाले होंगे आपके जमनोज गेमिट होंगे क्योंकि उनमें क्या होता है गेमिट अपनी सेल वाल को गेमेटिक फ्यूजन से पहले उतार देते हैं मतलब उसे लूज कर देते हैं सेड आउट कर देते हैं ये बात बिल्कुल सही है सेकंड पॉइंट है क्लेमाइडो मोनास बाज फाउंड सुइटेबल फॉर जेनेटिक स्टडीज इन द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी देखिए ट्वेंटी सेंचुरी का मतलब गैज़ क्या होता है कि हम उन्नीस या उन्नीस से लेके हम 1945 तक मतलब अर्ली का मतलब बता रहे 20 तो ये वाली सेंचुरी कहलाएगी है या सेंचुरी तो इस दौरान जो था क्लेमाइडो मोनास कोई भी स्पीसीज मतलब हम बहुत ही सुटेबल जेनेटिक मटेरियल के फार्म में यूज़ किया जाता था बट क्या हुआ बाद में स्पेसिफिकली केलेमाइडोमोनास की स्पीसीज आई एक डिस्कवर हुई रेन हार्ड आर्टी मतलब डिस्कवर तो थी इस फार्म की इट इज़ सुटेबल मॉडल ऑर्गेनिज्म इसका इस्तेमाल होना शुरू हो गया 1950 मतलब लास्ट कह सकते हैं आज ट्वेंटी सेंचुरी सेंचुरी तो ट्वेंटी है मतलब ट्वेंटी सेंचुरी के लास्ट में स्पेसिफिकली केलेमाइडोमोनास रेड हार्टी जो स्पीसीज थी वो मॉडल ऑर्गेनिज्म की फार्म में बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई थी क्योंकि उससे पहला म्यूटेंट जो थे वो जनरेट करा था उसने म्यूटेंट का फार्म होता गया थोड़ा सा बैरिड फार्म जो है केलेमाइडोमोनाज का इस, विस, इस स्पीसीज के थ्रू आइसोलेट कर लिया गया साइंटिस्ट के थ्रू तो इसे बहुत ज़्यादा मतलब इमर्जिंग मतलब मॉडल आर्गेमिक इन दी लास्ट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी में ये डिक्लेयर हो गई थी और ये बात ही बिल्कुल सही है और बी भी, भी सही है और ए भी सही है गाइस तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी ये बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं सब अब केलेमाइडोमोनास स्पॉटेड अंडर अब हम कहने का मतलब केलेमाइडोमोनाज का साइज हमने आपको बताया था कि ट्वेंटी से थर्टी माइक्रोन मीटर होता है और ये वाला जो माइक्रोनमीटर वाला साइज होता है गाइड तीनों टाइप के माइक्रोस्कोप है फेस कंट्रेस्ट माइक्रोस्कोपी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी ये बहुत अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती है और ये साइज भी काफी स्मॉल है तो ये साइज जो होता है किलोमाइडोमोनास का या इससे छोटा कुछ इसकी स्पीसीज होती हैं फाइव टू टेन भी बताया था जैन आर टी होती है फाइव टू टेन माइक्रोमीटर की होती तो ये बहुत इजीली मतलब इन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम विजुलाइज कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर होता है आपका डी की फेस कंटेस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई टेक है डार्क फील्ड एंड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी भी बहुत ईजिली क्लेमाइडोमोनास को हम इसमें स्पॉट कर सकते हैं स्पॉट का मतलब इन्हें रिव्यू ब्यूट कर सकते हैं देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में हम बात करते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दी क्लेमाइडोमोनास रेन हार्टी जो स्पीसीज है उसके बारे में जो स्पेसिफिक स्पीच मैंने कहा ना पाँच से सात क्वेश्चन पार्टिकुलर हमने इस स्पीच इस पे इसलिए बनाए हैं क्योंकि क्लेमाइडोमोनास में जो रिसेंट एडवांसमेंट हुए हैं उसमें जो आर्गेनिज्म जो स्पीसीज यूज़ की गई है वो बोगाइस ये वाली स्पीसीज हैं तो इसके बारे में कुछ न्यू इन्फॉमेशन ये मान के चलें ये इन्फॉर्मेशन क्लोमाइटोमोनास के बारे में भी है और स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन आता गए तो ये स्पेसिफिकली दिस स्पीसीज मतलब रेन हार्टी जो स्पीसीज है उसके बारे में तो पहला पॉइंट है कि इट इज़ यूनिसेलुलर एंड जनरली ट्रैक्टल ग्रीन एल का ट्रेक्टेबल का मतलब क्या है कि इसका जीनोम मॉडल ऑर्गेनिज्म है ये और इसका जीनोम इतना छोटा है कि इसे बहुत जल्दी हमने सीक्वेंस कर लिया है तो इसे कहते हैं जेनेटिकली पूरी तरीके से ट्रैक्टेबल ग्रीन एल्गा फर्स्ट डेवलप्ड एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म टू इल्यूसिडेट फंडामेंटल एंड सेलुलर प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस लाइट परसेप्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन ली उसमें एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म ये यूज़ किया गया था और पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनना है जेनेटिकली ट्रैक्टेबल ग्रीन एल्गा ये पूरा इसका सिक्वेंस जो है वो हमें आज ज्ञात है मतलब हमें पता है हमने इसका सिक्वेंस को फाइनलाइज करें उसके बाद है कि मॉडल ऑर्गेनिज्म टू इल्यूसिडेट द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड बायोजेनेसिस ऑफ लिया मतलब इन स्ट्रक्चर फंक्शन और बायोजेनेसिस ऑफ सीलिया की जो रिसर्च होती है उसके लिए भी मॉडर्न का काम करता है कौन सा ये स्पेसिस पार्टिकुलर क्लेमाइडोमोनास की इट फाउंड इन टेम्परेट सॉइल हैबिटेट ये टेम्परेट सॉइल में पाया जाता है फ्रेश हैबिटेट मतलब जो फ्रेश वाटर की जो हमने बात बताई थी आपको प्नट लेकिन उसमें नहीं पाया जाता है ये स्पेसिफिकली कहाँ पाया जाता है टेम्परेट सॉइल हैबिटेट में पाया जाता है इसके बाद एक स्टेटमेंट है एरनबर्ग आपने सुना होगा माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारा काम किया एरनबर्ग डिस्क्राइब द जीनस क्लेमाइडोमोनास इन एटीन थर्टी थ्री 1833 में एरिनबर्ग ने सबसे पहले के लिए मैडमोनास जीनज को डिस्क्राइब किया था इसे ये भी स्टेटमेंट ठीक है तो करेक्ट आंसर आपका होता है ये क्वेश्चन जितने भी आपकी इन्फॉर्मेशन को एनरिच करेंगे कि क्वेश्चन अगर को डिफरेंट आ रहे है तो आप आसानी से टिक कर सकें आपके पास अगर एक अराउंड इन्फॉर्मेशन है तब इस सेक्शन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने थंबनेल नेल पर भी इसका पॉइंट दिया है इन बिच आदि फॉलोइंग एल्गा इज नोन एज ग्रीन ईस्ट तो गाइस सबसे पहले समझिए ईस्ट ईस्ट क्या होता है ईस्ट होती है फंजाई और कैसी फनजाई जो एक्सेप्शन फनजाई मतलब कि फंजाई नॉर्मली क्या होती है एक मल्टी सेलुलर हाइड्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बट जो इष्ट होती है गाइस एक एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर इश्ट है और बहुत सारी रिसर्च में एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करी जाती है अब कह रहा है कि कौन सा एल्गा जो है वो ग्रीन इश्ट कहलाता है तो सिंपल सी बात है हम ग्रीन इश्ट कहते हैं किलोमाइडोमोनास को क्यों कहते हैं क्योंकि क्योंकिडोमोनास बहुत सारे रिसर्च आसपेक्ट जैसे कि मालिकुलर बायोलॉजी की बात करें जेनेटिक्स की बात करें बहुत सारे जैसे फ्लेजलर मो मौ, मूवमेंट है सेल मल्टी है लाइट रिस्पॉन्स है और फोटोसिंथेसिस जो स्टडी हो रही है आज उसमें मॉडल आर्गेनिक जो है क्लियर माइंड मुनास है और बहुत सारी स्टडी में इस्ट भी मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मॉडल ऑर्गेनिक है और रहा बहुत सारी प्रोसेस में तो कहने का मतलब है एक टाइम जितना यूज एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म इश्ट का होता था उतना ही यूज अगर एलगी की फील्ड में किसी का हो रहा है तो का हो रहा है उतना ज़्यादा मतलब एडवांस मॉडल ऑर्गेनिज्म है तो इसलिए हमने उसे बोला है ग्रीन इश्ट क्योंकि इश्ट जो होती है संचाई है सन्जाई कहते हैं नॉन क्लोर फील्ड इसका मतलब इसके पास कोई कलर नहीं है मगर उतना रिसर्च में एप्लीकेबल क्लेमाइडो का भी उतना ही रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही एप्लीकेबल हो गया तो इसे हमने क्या बोला ग्रीन ईस्ट क्योंकि ग्लेमाइडामास कैसा होता है क्लोरोफाइसी का मेंबर है ग्रीन होता है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी इक्वल है आज ईस्ट जितना रिसर्च में यूज हो रहा है उतना क्लेमाडामोनास हो रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्लेमाइडामोनास को क्या कहना स्टार्ट किया है ग्रीन ईस्ट जैसे आपने सुना होगा कि जो ड्रोसोफिला मेलोनागेस्टर एक आपकी फ्रूट हम बोलते हैं उसका इंपॉर्टेंट बहुत है जेनेटिकल स्टडीज में इसलिए एनिमल स्टडी में सब हर जगह पे उसी का यूज़ करते हैं उतना यूज प्लांट में प्लांट होता है एराबडासी थैलियाना जो छोटा सा एन प्लांट है जो फैमिली ब्रेसी केसी को बिलोंग करता है तो कहते हैं कि जो अरेबडाप्सिस थैलिया है वो प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला है तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ड्रोसोफिला थी उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है प्लांट की रिसर्च स्पेसिफिकली उतनी रिसर्च अरेबडाप्सिस थैलियाना पे होती तो उस कहना स्टार्ट कर दिया कि इट इज दी ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम सेम उसी तर्ज पर ईस्ट बहुत ज्यादा रिसर्च में यूज करने वाला मॉडल ऑर्गेनिज्म है उसी बीच पे आज एलगी में अगर कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करा जा रहा है तो क्लोमैडोमोनास यूज करा जा रहा है तो उस परस्पेक्टिव से हमने एलगी पास पास हैं दोनों ही थैलोफाइटा आए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ग्रीन किलोमाइडोमोनास को ग्रीन ईस्ट कहना स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर सेवन बात करते हैं विच स्पीसीज ऑफ द किलोमैडोमोनास फाउंड इन टेम्परेट हैबिटेट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अभी कौन सी स्पीसीज हमको बताई थी जो मॉडल ऑर्गेनिक जो हो रही है सी ऑप्शन रेनहार्टी जो इसे कहाँ पाई जाती है टम्परेट सॉइल हैबिटेट में कुछ नंबर एट में बात करते हैं स्पीसीज आप द ग्रीन एलगा क्लेमाइडोमोनास हैज प्रूवन टू बी सच ए पावरफुल मॉडल फॉर डिसेक्टिंग द फंडामेंटल प्रोसेस इन बायोलॉजी लाइक फोटोसिंथेसिस कोई नो no डाउट इसका आंसर क्या होगा क्लेमाइडोमोनास रेन हार कोई इसी स्पीसीज के बारे में कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है रेनहार टी तो ये आज के टाइम में एक बहुत ही पावरफुल मॉडल ऑर्गेनिक प्रूफ हो चुका है फॉर डिसेक्टिंग द फंडामेंटल प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस करेक्ट आंसर आपका सी क्वेश्चन नंबर नाइन में हम बात कर दें कुछ स्टेटमेंट है जो किलेमैडामोनास के बारे में है आप ये देखिए ये स्पेसिफिकली स्पीसीज के बारे में नहीं है जनरल जीनस के बारे में है क्लेमेडामोनास के बारे में है पहला कि इट डिस्प्लेक् सर्केडियन रिदम्स इन मेनी सेलुलर प्रोसेस बहुत सारी जो सेलुलर एक्टिविटी होती है उसकी जैसे डाइजेशन होता है न्यूट्रिशन होता है मूवमेंट होती तो उसमें ये सर्गेडियन रिदम्स रिदम मतलब एक टाइप की मूवमेंट है ये रेड सर्गेडियन रिदम भी रिप्रेजेंट करता है और इसके अलावा बात करें तो क्लेमडा मोनास को हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी फोटो टैक्सिस जो रिदम्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं मतलब ये बहुत ही फोटो टैक्सिस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जो अच्छी तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं वो क्लेमाइडा मोनास के थ्रू कर सकते हैं तो सो इट इज़ नोन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दी फोटो टैक्सिस रिदम्स इसके अलावा थ्रू आई स्पॉट इसके अंदर जो एक आई स्पॉट होता है जो हमने आपको दिखाया था अभी पिक्चर में जिसे हम स्टिगमा भी बोलते हैं इसके थ्रू क्या करता है इट कैन डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स लाइट सोर्स की डायरेक्शन कि लाइट सोर्स की डायरेक्शन लाइट कहाँ से आ रही है तो अब ये डिसाइड करेगा कि हमें उसकी तरफ मूव करना है या उससे दूर भागना है किस बेस पे करेगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लाइट की लाइट जो आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है मतलब इसकी अगर सुइटेबल होगी तो इसकी तरफ मूव जाएगा अगर इसके अगेंस्ट है तो इससे दूर भाग जाएगा तो ये कौन डिसाइड करेगा इसमें जो प्रेजेंट होता है आई स्पॉट जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं ये उसका वर्क है इसके अलावा एक बहुत ही रिसेंट पॉइंट है कि हम देखते हैं किलेमाडामोनास क्लोरोफिल रखता है तो फोटोसेंस खुद कर लेता है इसे बाहर से किसी भी न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं फिर भी ये नोटिस किया गया है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो इसकी जो बाल होती है सेल सर्फिस उसके थ्रू भी मतलब जो जिस बॉडी में रह रहा है जिस वाटर बॉडी में रह रहा है उसके थ्रू भी अपनी सेल मतलब अपनी सेल सर्फिस के थ्रू भी न्यूट्रियट को अब्जॉर्व कर सकता ये है, है।, तो है ये इसमें है क्वालिटी है तो करेक्ट आंसर क्या है ये सभी स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट है अबाउट द केमाइडोमोनास क्वेश्चन नंबर टेन में बात करते हैं इन बीच फॉलोइंग फॉलोइंगे होमोथैलिक स्पीसीज ऑफ द केलेमाइडोमोनास किलोडोमोनास की होमोथैलिक होमोथैलिक का मतलब हुआ कि एक भी टाइप डिफरेंट टाइप के नहीं मतलब बॉडी एक ही है उसमें जो स्पोर्ट्स बनना है वो एक ही बॉडी से बनना है होमोथैलिक स्पीसीज जैसे हमने आपको इससे पहले बताया था एलोथ्रिक्स में कि प्लस माइनस का जो स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो होमोथैलिक स्पीसीज आप जब भी क्लेमोनाज में होमोथैलिक स्पीसीज भी हैं हाइट्रोथैलिक स्पीसीज भी है मोस्टली एल्गीज में ऐसा ही होता है कि दोनों टाइप के थैलस पाए जाते हैं होमोथैलिक भी होते हैं और हाइट्रोथैलिक भी होते हैं तो ये जो स्पीसीज हैं गई जितनी भी स्पीसीज मैंने लिखी है मोनाइका मोनोडिना नोक्टिगमा यूगैमिटॉस एंड मोवेसी ये सभी स्पीसीज आपकी होमोथैलिक स्पीसीज है इससे पहले हम आपको इस स्पीसीज के बारे में बता चुके हैं क्लेमाइडोमोनास यू गैमिटॉज यूगैमिटॉज के बारे में हमने ये स्टेटमेंट आपको बताया था अपने क्वेश्चन नंबर सीरीज टू में कि ये जो स्पीसीज होती गई इसका जो जायगोट होता है वो ग्रीनी रहता है वो कभी अपना कलर चेंज नहीं करता जबकि दूसरी स्पीसीज में क्या होता है कि जायगोट एक पिगमेंट होता है रेड पिगमेंट हेमाइटोक्रोन का फॉर्मेशन करता है और अपना कलर चेंज कर लेता है जबकि जो स्पीसीज़ है क्लेमाइडोमोनास यूगैमिटॉज इसका जो जायगोट होता है वो हमेशा ग्रीन ही रहता है ये क्वालिटी इसके अंदर तो यहाँ पे जितने भी स्पीसीज हैं गई ये सभी आपकी होमोथैलिक स्पीसीज हैं कुछ नंबर एलेवन में बात करते हैं इन विच आदि फॉलोइंग हैविंग नॉन सेलोलोजिक मेम्ब्रेन आर प्रोटीनियस थीका देखिए दो इंपॉर्टेंट बात है कि इन विच आदि फॉलोइंग हैविंग नॉन सेलोलोज जिसमें सेलुलज ना हो ऐसी मेम्ब्रेन कौन सा एल्गी रखता है तो गाय आपकी इसका मतलब क्या हुआ प्रोटीनियस ये कह सकते हैं प्रोटीनियस बाल होती है और जब नॉन सेल्यूलोजिक मेम्बर होती है तो उसे थीका बोलते हैं मतलब प्रोटीन वाली कवरिंग को हम क्या बोलते हैं थिका और आपने पढ़ा किलेमाइडोमोनास की जो बाल होती है वो ग्लाइको प्रोटीन्स की होती है जो आउटर कवरिंग होती है वो किलोमाइडोमोनास की होती है इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि नॉन सेलुलोजिक है क्योंकि ग्लाइको प्रोटीन क्या प्रोटीन का पार्ट है तो दैट नोन एज प्रोटीनियस या उसे हम क्या बोल सकते हैं थीिका या नॉन सेलुलोजिक मेबरिन तो ये करेक्ट आंसर है आपका क्लेमाइडोमोनास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्ल में बात करते हैं दी फंक्शन ऑफ द फ्लेजला इन इज मोनास देखिए इससे पहले हमने फंक्शन ये देखते थे कि हम क्लेमाइटमोनास के जो फलेजिला आएंगे वो केवल आपको लगता था कि मूवमेंट में काम करते हैं इसके अलावा ये जब इसमें रिप्रोडक्शन होता है तो ये सीलिया एक दूसरे से मेटिंग टाइप में मेटिंग करने में मतलब रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं ये तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी मतलब इसमें बहुत ए एंड वी मतलब मूवमेंट में मदद करते हैं मेटिंग रिप्रोडक्शन मदद करते हैं सेंसिटिविटी में कोई रोल नहीं होता है इनका सेंसिटिविटी के लिए इसमें दूसरे पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी में हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द पैरिनोइट्स इन क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एलगा है क्लेमाइडोमोनास उसमें जो पारीनोइट्स होता है उसके बारे में हम दो बातें करेंगे अभी तक पारियनोइट्स हमने केवल डिफाइन करा है कि पैयोनॉइट्स होता क्या है पायोनॉइट स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन और आपके सेलोर होते हैं मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते और इसमें क्या होता है रिजर्व फूल मटेरियल जो एल्गी बनाता है वो रिजर्व होता है मतलब वो स्टोर होता है अब इसके अलावा कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है देखिए जो फोटोसिंथेटिक एंजाइम होता है जैसे हम बोलते हैं तो रोबिस वो इसी में पाया जाता है वो पैनोइड के अंदर होता है पैनोइड का होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है ऐसे जो कप सेप्ट क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर होता है ये इसके अलावा जो पेरिनॉड है इज ए कंपोनेंट ऑफ द कार्बन कंसनट्रेटिंग मेकेनज कहने का मतलब हुआ जो रियल फोटोसिंथेसिस होती है उसे हम क्या बोलते हैं कार्बन कंसनट्रेटिंग मेकेनिक बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को जिसमें क्या होता है सीओ टू होता है वो ग्लूकोज मतलब सी सिक्स आइस टूएल ओ सिक्स में कंसनट्रेट हो जाता है तो इसका जो मेन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की साइट है एक्चुअल साइट वो आपकी पैरिनॉइड से और इसमें कह रहा है कि जो वो इनऑर्गेनिक कार्बन मतलब सीओ टू जो होता है वो स्टोर होता है अगेंस्ट एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट <laughs> कंसनट्रेशन ग्रेडेंट के अकॉर्डिंग की पूरी तो सेल में उनका जो वैल्यू में बराबर है अमाउंट उसका बराबर है तो कहने का मतलब एक्चुअल साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी अगर बात करें तो पायोनॉइड में होती है और में जो एंजाइम होता है जहाँ पर रोबिसको होगा भाई फोटोसिंथेसिस होगी फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल मतलब है कि सीओ टू कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट वहीं पर होगी जहाँ पर रिस्क होगा और रोबिस्को कहाँ पे आपका पायरॉइट्स में तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है करेक्ट आंसर आपका होता है सी क्या हमने जो बातें पायोनॉइट के बारे में बताई हैं दोनों सीखें कि इसमें रोबिस्को इसमें प्रेजेंट होता है देखिए पायोनॉइट का प्रेजेंट होता है पायोनॉइड प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर और हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट इस साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस है मगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायोनोइट प्रेजेंट है तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट साइट जो है वो आपकी पायोनोइट्स है क्योंकि जो रोबिसको एंजाम्स होता है जैसे बोलते हैं रोबिलोस बाईफाफेट कार्बो ऑक्सीजनिस जो एंजाम्स होता है जो एक्चुअल मतलब फोटोसिंथेटिक एंजाम्स होता है जो सी ओ टू को कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो आपका रोबिसको है तो कहाँ प्रेजेंट होता है आपका पाइन में इसके अलावा इसी पॉइंट से ये कंसर्ट मिला है कि इट इज कंपोनेंट ऑफ तो करेक्ट आंसर आपका होता है दो, दोनों स्टेटमेंट ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी में हम बात करते हैं इन द फंक्शन ऑफ द प्रीमॉड विजुअल सिस्टम देखिए अब आया पॉइंट हम जैसे हम आई स्पॉट बोलते थे स्टिकमा बोलते थे इसका एक न्यू नाम और समझ लें इसे हम प्री मॉडियल विजुल सिस्टम भी बोल सकते हैं कहने का मतलब ये देखता है कि हमें किधर मूव करना है किधर मूव नहीं करना है और किधर मूव करना है लाइट सेंसिटिव होता है फोटो टैक्सिस मूवमेंट पाई जाती है तो सिंपल सी बात है इसका मीनिंग क्या होगा इसका मीनिंग होता है इसका फंक्शन की बात कर रहा है तो इसका फंक्शन है आपका करेक्ट आंसर आपका बी कि ओरिएंट का मतलब है ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन किसे सेल मतलब क्लेमाइडोमोनास को अबाउट देयर स्विमिंग कि स्विमिंग के बारे में उसे कि टू लाइट सोर्स की तरफ जाना है या उसे लाइट सोर्स से भागना है ये कौन डिसाइड करता है ये आई स्पॉट या स्टिकमा या फिर हम इसे बोलते हैं प्रीमॉड विजुअल सिस्टम विजुअल मतलब देखता है कि लाइट की इंटेंसिटी के आधार पे ये उसकी तरफ मूव भी कर सकता है या उससे बैक भी हो सकता है वापस भी भाग सकता है तो इस करेक्ट आंसर आपका भी दोनों पॉसिबिलिटी है कि टू एंड अवे फ्राम द लाइट सोर्स और ये कि टू या अवे ये डिसाइड करेगी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट करेक्ट आंसर आपका भी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में बात करते हैं इन विच द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेरी असेंबली इन द्लिमैडम देखिए सिलेरी इसमली का मतलब क्या है कि गले मैडम उन्हास है इसके दोनों बेस हैं यहाँ से ये फ्लेजिला फिलेजला का मतलब सीलिया जो भी प्रोसेस होते हैं उन्हें हम इन्हें सेलुलर प्रोसेस बोलते हैं चाहे वो सीलिया हो चाहे फिलेजला हो चाहे ब्लाई चाहे माइक्रोब्लाई तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है कि जो सिलेरी असेंबली होती है मतलब असेंबली का मतलब जो फलेजिला का मतलब गठन होता है जो इस्टेब्लिशमेंट होता है ये कौन करता है तो आपको बताया कि इनका कहाँ से निकलता है जो बेसल बॉडीज होती है गले मैडम उन्हास में यहीं से ये फिलेजला निकलते हैं तो करेक्ट आंसर का इस क्या होता है आपको पंद्रह का बी बेसल बॉडीज से जिन्हें हम क्या बोलते हैं क्या एक टर्म और होता है इनके लिए बिली फेरोप्लास्ट यहाँ से ये इनका गठन या इनके रिस्पॉन्सिबिल होता है इनके फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में बात करते हैं विच स्पीसीज आदि क्लेमाइडोमोनास कंटेन ए रेड पिगमेंट नोन एज हेमेटोक्रोम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इससे हम क्लियर ही कर सकते हैं कि जो आपका रेड स्नो का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन करता है आपका करता है नेवेलिस क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस तो जो रेड पिगमेंट है कौन बनाएगा वो आपको बनाएगा सी आंसर क्लेमाइडोमोनास नेवेलिस अब हम क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में बात करते हैं विच एल्गा प्रॉम्प्टेड आवर स्टडीज एंड एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीरियम डिसफंक्शन इन ह्यूमन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये इसके मॉडल सिस्टम के बारे में बात कर रहा है कि जो आपकी स्पीसीज है केलेमाइडोमोनास की स्पीसी केलेमाइडोमो पहले तो हम देखिए एक क्वेश्चन का पैटर्न देखें कि क्वेश्चन अगर एलगा की बात करें तो कलेमाइडोमोनास अब क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज के अंदर चला गई कौन सी स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस फंक्शन तो आपका आंसर होगा केलेमाइडोमोनास अब क्वेश्चन सुने कह रहा है कि बिच एलगा कौन सा ऐसा एल्गा है जिसकी स्टडीज से हमें ये इन्फॉमेसन मिल रही है कि हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव या जान रहे हैं अबाउट दी सीलियम डिसफंक्शन सीलियम मतलब सीलिया के जो डिस्फंक्शन हो जाता है ह्यूमन बींग में जो सीलिया जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन वगैरह में उनके अगर वर्क करना बंद कर दें तो उसके रिगार्डिंग जो हम स्टडी करते हैं तो किस एलगा के थ्रू हमें इफार्मेशन मिलती कि है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई इस प्रॉब्लम को कैसे सार्ट आउट करते हैं तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है अबाउट दी सीलियम डिसफंक्शन इन ह्यूमन ये क्या है? एक बीमारी है सीलियम डिस्फंक्शन इन ह्यूमन इसके बारे में जो रिसर्च के बाद हमें जो आउटपुट मिल रहे हैं कि कैसे करके कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबिल है इस काम के डिसफंक्शन का मतलब हुआ कि सीलियम जो है जो सीलिया है वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जो रिसर्च होती है वो हम करते हैं क्लेमाइडोमोनास पे इस स्पेसिफिकली इसकी जो स्पीसीज इस होती है क्लेमाइडोमोनास रेन हार्टी उस पर करते हैं क्वेश्चन नंबर एटी में बात करते हैं देखिए यहाँ पे अब बात कर रहे हैं क्लेमाइडोमोनास के बारे में कुछ स्टेटमेंट है हमें उनके बारे में सही और गलत बात करना है पहला पॉइंट है कि इट ग्रो वेजिटेटिवली एज ए एप्लाइड बिल्कुल सही बात है जो इसका गमिटोफाइड होता है वो कैसा होता है हैप्लाइड होता है लाइफ साइकिल होती है तो ये ग्रो कैसे वेजिटेटिवली ग्रो कैसे करता है हैप्लाइड ग्रो करता है और अलाउ करता है म्यूटेंट फिनोटाइप टू बी एक्सप्रेस इमीडिएटली और इससे हम बहुत सारे म्यूटेंट भी अलग कर सकते हैं म्यूटेंट का मतलब होता होगा कि हम इसे थोड़े से डाइवर्ट फायर में इसकी जिन्हें हम स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल कंडीशन में ग्रो करने के लिए ऐसे प्लांट भी इस, ऐसे अलगा भी हम बना सकते हैं इसके बाद अंडर ऑप्टिमल कंडीशन में इट ग्रो सो रेपिडली दैट इट नंबर कैन डबल और जब ऑप्टिमल कंडीशन हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है इतना जल्दी ग्रो करता है कि हम इसके नंबर को डबल कर सकते हैं इट इज़ वेरी सुटेबल पॉइंट फॉर द रिसर्च सुटेबल पॉइंट फॉर दी यूजिंग इट एज ए मॉडल ऑर्गेनिजम तो ये बात ही बिल्कुल सही है कि अगर हम ऑप्टोमल कंडीशन प्रोवाइड करें तो क्लोमाइडोमोन बहुत तेजी से रीपोडक्शन करके अपने नंबर को डबल कर सकता है इट कैन ग्रो इन दी डार्क ऑन एसिटेड कंटेनिंग मीडियम ये बात भी ये लाइट जैसे क्लोरोफिलाइस के अंदर तो ये लाइट में ग्रो करता है लाइट वाली जगह पता है क्योंकि फोस करना है फूड मटीरियल बनाना है बट ऐसा नहीं देखा गया कि ये डार्क में भी ग्रो कर सकता है स्पेसिफिकली एसिटेड कंटेनिंग मीडियम अगर हम कोई स्पेशली इसे लैबोट्री में मीडियम प्रोवाइड करें एसिटेड कंटेनिंग मीडियम उसमें भी ग्रो कर जाता है और उसके बाद जो हमें इसकी जो कई बार मतलब हम इसे ग्रो करते रहेंगे तो एक हमें ऐसी मतलब अलगा मिल जाएगा जो कि लाइट सेंसिटिव वो कहने का मतलब है जो लाइट में ग्रो ना करके डार्क में ही ग्रो करना स्टार्ट कर देगा तो इससे क्या मतलब होगा कि लाइट सेंसिटिव फोटोसिंथेटिक म्यूटेंट हम इसे आइसोलेट कर लेंगे अगर क्योंकि इसके अंदर ही क्वालिटी है कि इट ग्रो कैन इट ग्रो ऑन दी डार्क मीडियम तो य क्वालिटी ये पॉइंट ऐसे पॉइंट जो होते हैं इस ऐसे ऑर्गेनिक को रिसर्च के लिए बहुत सुटेबल बनाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए और बिल्कुल सही है कि इससे हम डार्क सेंसिटिव या लाइट सेंसिटिव म्यूटेंट भी बना सकते हैं इसके अलावा इट कैन बी इंड्यूस्ड हर सेक्सफुल रि इन द लेबोरेटरी मेकिंग इट इज टू इंट्रोड्यूस म्यूटेंट ट्रेड्स इंटू सिंगल हैपलाइड स्ट्रेन टू जनरेट डबल और ट्रिपल मिटेंट देखो सिंपल बात है कि इस अलगे के अंदर ये भी हम कर सकते हैं ये आंसर बताइए हाँ ना में तो बिल्कुल हाँ बात सही बात है कि इट कैन बी इंड्यूस्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लेबोरेटरी मतलब हम लेबोरेटरी में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसे इंड्यूस कर सकते हैं इंड्यूस का मतलब कि हमारे हाथ में कंट्रोल कंडीशन है कि हम इस सैल्यू को सेक्सुअल सेक्सुलोडक्शन करने के लिए इंड्यूस कर सकते हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि हम इस आर्गेज को एज अ मॉडल आर्गेनिज्म यूज कर लें टू इन्वेस्टिगेट दी सेक्सुअल रिपोर्डक्शन अदर प्लांट्स तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लेमाइडोमोनास इज इंपॉर्टेंट गाइस करेक्ट आंसर आपका होता ई क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हम बात करते हैं कि विच इज़ एन ऑक्सीडेंट लेबोरेटरी स्पीसीज ऑफ द क्लेमाइडोमोनास देखिए भाई क्वेश्चन हमने निकाल के बना दिया कि कौन सी स्पीसी लेबोरेटरी के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल एक्सो लेवर, एक्सेलेंट लेबोरेटरी स्पीसीज का मतलब हुआ कौन सी स्पीसीज़ के लिए मैडम मुनासिक मॉडल ऑर्गेनिज्म में यूज कर सकते हैं इस तो हम आपको बता दिया रेनहार्टी सबसे ज़्यादा अच्छी और लेबोरेटरी में आज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करे जाने वाली स्पीसीज़ है ये ए आपसे करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बात करते हैं विच स्पीसीज ऑफ द केलेमाइडोमोनास इज बीइंग एक्सप्लॉयटेड टू स्टडी द एवोल्यूशनरी एवोल्यूशन ऑफ मल्टी सेलूलरिटी कि पहले देखिए जो ऑर्गेनिम बने थे वो यूनी थे पहले तो ए सेलुलर थे फिर सेलूलर आया फिर मल्टी सेलूलर हो गया तो इस चीज़ की डेवलपमेंट की स्टडी करना कि कैसे करके ए सेलूर से हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम का प्रोडक्शन एवोल्यूशन हो गया तो इस चीज़ की स्टडी करने के लिए केलेमाइडोमोनास को यूज़ करते हैं अब केलेमाइडोमोनास तो यूज़ कर रहा स्पेसिफिकली हम उसकी कौन सी स्पीसीज यूज़ करते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम बता चुके हैं रेनहार्ट यही मॉडल ऑर्गेनिज में तो ये मल्टी सिल्योरिटी के लिए स्टडी में भी यूज करी है, में भी यूज करी है, आपको की में भी यूज करी है, जा, की में, जा 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 रही रही है है की की स्टडी स्टडी में में भी भी यूज़ यूज़ सेल आपको असेंबली कर मतलब हर तरीके की रिसर्च में इट इज़ एज मॉडल बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन एंड एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च पेपर से जो मैंने क्वेश्चन आपको लिया है देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम न्यू टर्मोन्स आर गैमोन्स ये कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि हारमोन्स होते हैं बेसिक कुछ केमिकल्स होते हैं बोलते हैं टर्मोन्स एंड गैमोन्स लाइक सबस्टेंसिस प्रोड्यूस इन विच टू कंट्रोल दी डेवलपमेंट ऑफ मोटिलिटी सेक्सुअल डिफ्रेंसी एंड गैमिट फ्यूज़न इन चीज़ों के लिए कौन सा एल्गा यूज़ किया जाता है आज के टाइम में रिसर्च में किसके लिए कि जो सब्सटेंस हैं जिन्हें बोलते हैं टर्मोन्स गैमोन्स लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस इन विच एल्गा टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मोटेलिटी सेक्सुलफ्रेंसीशन एंड गेमिट फ्यूजन मतलब ये जो केमिकल्स जो सिक्रिट होते हैं एलगा में किस एलगा में सिक्रिट होते हैं हमें यहाँ पर एलगा बताना वो होते हैं क्लेमाइडोमोनास में और इनका काम क्या है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है मोटेलिटी का मतलब फ्लैजला का डेवलपमेंट सेक्सुअल डिफ्रेंसीशन का डेवलपमेंट और गैमिट फ्यूजन का जो प्रोसेस हो रही है उसमें ये हेल्प करते हैं गाईजी. और ये चीज़ें रिपोर्ट करेगी कि क्लेमाइडोमोनास जो एलगा होता है ग्रीन हमारा उसमें ये चीज़ें सिंथिसज होती हैं और हेल्प करती हैं इन कामों में डेवलपमेंट ऑफ मोटिलिटी सेक्सुअल डिफेंसेशन एंड गैमिट फ्यूजन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में हम बात करते हैं कि फ्रेश वाटर एल्गा कौन सा है तो सिंपल सी बात है देखिए आपके जो क्लोरोफाइसी के मेम्बर हैं उनमें मोस्टली जो है वो आपके फ्रेश वाटर एलगा तो अगर पहला एग्जाम्पल तो पता ही है कि मैडम होना जो हम स्टडी करो जो हमारा टॉपिक है उसके अलावा क्लोरेला भी है बॉल बॉक्स भी है ओडोगोनियम भी है तो सभी ये फ्रेश वाटर एल्गा है ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा हट के यहाँ से कि विच वन इज ट्रू रिगार्डिंग द टेक्सोनॉमी ऑफ द एल्गी एल्गी की टेक्सोनॉमी के लिए कुछ कौन सी बात सही है तो देखिए हमने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो फाइलम और डिवीजन जो होती है वो एक ही चीज़ होती है एक तो सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हम फाइलम और डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दोनों को जो लेवल होता है जो स्टैंडर्ड होता है वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एक जुलॉजी में करता है और एक बॉटनी में करता है कहने का मतलब एक प्लांट के केस में करता है और एक एनिमल के केस में करता है देखिए फाइलम इज़ जुलॉजिकल टर्म है और डिवीजन इज द दॉटनिकल टर्म प्लांट के केस में यूज़ किया जाता है इसके अलावा विकास कह रहा है क्लासेस आर बेटर डिफाइंड अब हमने आपने फिर इसका क्लासिफिकेशन देखा होगा तो वहाँ पे हमने 11 क्लासेस की बात करी है डिवीज़न की बात नहीं करी है डिवीजन भी पहले लोगों ने डिसाइड किया था एल को डिवीजन में सिक्स डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो मगर कभी हम डिवीजन की बात नहीं करते क्यों क्योंकि क्लासेज जो है वो मोर डिफाइंड हैं और मोर एक्सेप्टेबल हैं दैन डिवीज़न तो ये बात भी बिल्कुल सही है और फाइल डिवीजन सेम टेक्सोनॉमिक लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं फाइल हम जुलॉजी में यूज करा जाता है और डिवीजन बॉटनी में यूज करा जाता है प्लांट स्टडी में गई और उनका लेवल सेम है जो एक ही चीज़ को बताते हैं तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी वाट इज़ ट्रू अबाउट दी केलेमाइडोमोनास रेन हार्टी जो स्पीसीज है उसके बारे में कुछ हम और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो देखिए कुछ स्पीसीज पॉइंट है कि इट इज मोस्ट कॉमनली स्टडीड स्पीसीज बिल्कुल सही बात है सबसे ज़्यादा रिसर्च ऐसी भी इसी हो रही है आज के टाइम में इट इज़ रिलेटिवली सिंपल जीरो में इसका इसीलिए ज़्यादा रिसर्च हो रही है क्योंकि इसका जीनोम बहुत छोटा सा है इसे हमने पूरा कहना चाहिए जेनेटिकली ट्रैक्ट कर लिया पूरा हमने सिक्वेंस कर लिया कि कौन सा दिन कौन से करेक्टर को कंट्रोल करता है ये मतलब होता है एंड हैज़ बी स्वीकेंड इसके अलावा इट इस पावरफुल मॉडल फॉर डिसेक्टिंग द फंडामेंटल प्रोसेस लाइफ ऑडोसिथेसिस मोटेलिटी रिस्पॉन्स टू स्टमोलाइज सच इज लाइट एंड सेल टू सेल रिकगनी डी आला बिल्कुल सही बात है इस क्योंकि कॉमनली स्टडीड स्पीसीज है और रिलेटिवली सिंपल जीनोम रखती है इसके अलावा ये पावरफुल मॉडल ऑर्गेनिक्स में किसके लिए डिसेक्टिंग का मतलब हुआ कि अंडरस्टैंडिंग मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बताती है किसके बारे में फंडामेंटल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कुछ चीज़ें बताती है मोटिलिटी के बारे में बताती है रिस्पॉन्स टू स्टमुलाई कैसे करते आ रही है उनके बारे में बताती है सेल टू सेल रिकोगशन के बारे में बताती गई तो ये बिल्कुल सही है बहुत सारी रिसर्च में काम आ रही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में हम फिर से एक बार आगे के लिए मैडो मुन्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देने का इस लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम स्टडीज ऑफ केलेमाइडामोनास अलाउ रिसर्चर टू लर्न मोर अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट एंड एनिमल्स एंड रेगुलेशन ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल असेंबली बिल्कुल सही बात है देखिए किलेमायडामोनास मॉडल ऑर्गेनिज्म में इसके बाद रिसर्च करने के बाद जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ पर हेल्पफुल है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन के मतलब बायोलॉजी में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं हेल्पफुल होती है इसके अलावा कहाँ पे किन ऑर्गेनिज्म में मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट एंड एनिमल्स इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ माइक्रो ट्यूबल असेंबली के रेगुलेशन में कैसे करके माइक्रो माइक्रोट्यूबल असेंबली का मतलब सीली और फ्लेजला का डेवलपमेंट कैसे करके होता है ये भी बताती है इसका पूरा मतलब होता है फ्लेजलर मूवमेंट फ्लेजलर मोटिलिटी के बारे में रिसर्च करती जो हमारा लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको क्वेश्चन बताया था इस ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसके अलावा मोटाइल क्लेमाइडो मोनामाइडो मोना जो मोटाइल होते हैं मतलब ड्यू टू द फ्लेजला कैन बी इंड्यूस टू सेट दर फ्लेजला और फ्लेजला कैन बी रिमोट मैकेनिकली इनके फ्लेजला को हम लेबोरेटरी में इंड्यूस कर सकते हैं कि वो अपने फ्लेजला त्याग दे त्याग का मतलब सेट आउट कर दे दूसरी बात अगर वो त्याग आउट नहीं कर रहे और हमें किसी रिसर्च में जरूरत पड़ रही कि हम इसके फ्लेजला को हटा देते हैं हम इसके फ्लेजला को हटा भी देते हैं मतलब हम अपने इंस्ट्रूमेंट से हाथ के थ्रू इसके फ्लेजला को निकाल भी सकते हैं कहने का मतलब ये यह यहाँ पर तो मैकेनिकल भी कर सकते हैं और हमारे पास ऐसे केमिकल्स हैं जिनके थ्रू हम इसके फ्रिजिला को सेड आउट करने के लिए इसे टारगेट कर सकते हैं कि फ्लेजला रिमूव कर रही ये बात अच्छी है रिसर्च में इसकी अपलिकेबिलिटी इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि काफ़ी सोफेस्टिकेटेड एनिमल है सॉरी सोफेस्टिकेटेड आपका एलगी है इसके अलावा दे रिग्रो फ्लेजिला थ्रू फॉलोइंग एम्पोटेशन वेरी गुड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए एम्पोटेशन का मतलब क्या होता है जब हम इसके फ्लेजला को निकाल देते हैं या हम इसे इंड्यूस करने करते हुए फ्लेजला कुछ रिसर्च ऐसी हो रही है जिसमें फ्लेजला को हटाना पड़ता है उसके बाद इसके फ्लेजला दोबारा ग्रो कर जाते हैं कौन सी प्रोसेस के थ्रू ग्रो करते हैं एम्पोटेशन के थ्रू जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली और जो दूसरे रिजार्ट होते हैं आपके रेप्टाइल्स उनमें

ब्राइटफील्ड माइक्रोस्कोप भी और हम इसके सीलिया जो फ्लेजला है उन्हें हम इंड्यूस कर सकते हैं सेट आउट करने के लिए ऑलवेज या मेरा मकैनिकल भी निकाल सकते हैं और उसके बाद इसके जो फ्लेजिला होते हैं वो रीग्रो कर जाते हैं फर्दर ग्रो कर जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एम्पोटेशन और इसके अलावा क्ले से जो हमें नॉलेज मिल रही है वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एसपोलोशन ऑफ़ द रेगुलेशन ऑफ द चीन एक्सप्रेशन इन द प्लांट एंड एनिमल्स एज वेल रेगुलेशन ऑफ द माइक्रोट्यूब वेल असेंबली ये भी, भी बिल्कुल सही बात है करेक्ट आंसर आपका होता है डी Thank you very much guys. Sure.